Hello guys, my name is Raman. Today in this lecture we will discuss about bond stress and development length. ठीक है, ये हमारा chapter 3 का last topic है, bond stress and development length. ठीक है, तो पहला देख लेते हैं, first point, bond stress क्या होता है. ठीक है, तो heading डालेंगे bond strength. बॉन्ड स्ट्रेस होता क्या है? बॉन्ड स्ट्रेस अगर हम डिफाइन करें कि होता क्या है, तो बॉन्ड यानी किसी किसी चीज में बॉन्डिंग को ही दर्शा रहा है, यानी जो उसमें स्ट्रेस जनरेट हो रहा हो. जैसे कि ये होता है स्टील और कंक्रीट, बॉन्ड स्ट्रेस होता है स्टील और कंक्रीट के बीच में पर एमएम किसी यूनिट एरिया में जो स्ट्रेस जनरेट हो रहा होता है, जो टेंजेंशियल या शियर स्ट्रेस जनरेट हो रहा है, तो उसे ही कहते हैं बॉन्ड स्ट्रेस. यानी देखें तो अगर हम एक डायग्राम के द्वारा देखें कि ये हमारा रिइंफोर्स्ड है, यानी रिइंफोर्स्ड किया गया है. ठीक है, यह है सरिया. ठीक है, और किसी कॉन्क्रीट मेंबर में रिइंफोर्स्ड किया गया है, कंक्रीट मेंबर है उसमें रिइंफोर्स्ड किया गया है. ये क्या है? कंक्रीट मेंबर है. ठीक है, इसमें रिइंफोर्स्ड किया गया है. और अगर हम देखें, अगर यहां पर हम एक इसमें टेंजेंशियल फोर्स लगाए, यानी दोनों की तरफ से खींचे, टेंजेंशियल फोर्स लगाए, तो क्या होगा? इसमें टेंजेंशियल फोर्स लगाए, मान लो इसमें कंक्रीट में भी, और ये इमेजिन कर रहे हैं कि कंक्रीट और स्ट्रेस के बीच में हमको क्या बॉन्ड स्ट्रेस या बॉन्ड स्ट्रेंथ को ज्ञात करने के लिए पता कर रहे हैं, कैसे क्या होता क्या है एक्चुअली ये. ठीक है, तो उसको दर्शाने के लिए हम ये एक इमेजिन कर रहे हैं, कोई कंक्रीट मेंबर है. ठीक है, उसमें अगर रिइंफोर्स्ड किया गया है, प्रबलित किया गया है, अगर इसको खींचे तो क्या होता है, इसमें एक स्ट्रेस जनरेट हो रहा है, यानी कि ये अलग अलग होना चाह रहा है, यानी खींचना चाह रहा है, लेकिन इसके बीच में दोनों के अंदर बॉन्डिंग बनी हुई है, तो क्या है, एक टेंजेंशियल स्ट्रेस जनरेट हो जाता है, यानी इसको क्या है रोकने के लिए, इसको ये इधर खींच रहा है तो ये इधर रोकेगा. ठीक है, ये इधर खींच रहा है तो ये इधर, तो कुल मिला के इस पर एक टेंजेंशियल स्ट्रेस जनरेट हो रहा होता है ये. तो इसी टेंजेंशियल स्ट्रेस को, जो इस कंक्रीट और स्टील के सरफेस पे जो ये स्ट्रेस जनरेट हो रहा है, टेंजेंशियल या शियर स्ट्रेस जनरेट हो रहा है, इसी को ही कहते हैं बॉन्ड स्ट्रेस. ठीक है, समझ में आया? ये कंक्रीट मेंबर है कोई, अगर इसमें स्टील किया गया है, रिइंफोर्स्ड किया गया है, यानी सरिया डाला गया है, तो क्या करते हैं, अगर मान लेते हैं कि अगर इसको कंप्रेस किया जाए या टेंसाइल या खींचा जाए, कंप्रेस किया जाए या टेंसाइल फोर्स लगाया जाए, तो क्या होगा, दोनों खींचना चाहेंगे, तो क्या होगा, इसमें कोई स्ट्रेस, इसको रोकने के लिए कोई स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस जनरेट हो रहा होगा ये, या टेंजेंशियल स्ट्रेस जनरेट हो रहा होगा, तो इसी स्ट्रेस को कहते हैं बॉन्ड स्ट्रेस. ठीक है, लिखेंगे, इसको डिफाइन करना होगा तो डिफाइन करेंगे, जैसे लिखेंगे कुछ लाइंस में, कंक्रीट तथा स्टील या कंक्रीट तथा स्टील की सरफेस पर या सरफेस के बीच पर यूनिट एरिया यानी मान लो एक यूनिट एरिया में कितना स्ट्रेस जनरेट कर रहा है, यानी फोर्स पर यूनिट एरिया होता है ना, तो लिखेंगे कंक्रीट तथा स्टील की सरफेस के बीच पर यूनिट एरिया में उत्पन्न या पर उत्पन्न उत्पन्न शियर फोर्स न शियर स्ट्रेस या टेंजेंशियल स्ट्रेस. ठीक है, कुछ भी कह सकते हैं, शियर स्ट्रेस या टेंजेंशियल स्ट्रेस को ही बॉन्ड स्ट्रेंथ कहते हैं या बॉन्ड स्ट्रेस कहते हैं. बॉन्ड स्ट्रेस कहते हैं, इसको डिनोट कैसे करते हैं, इसको टाउ बीडी से डिनोट करते हैं. इसे प्रदर्शित करते हैं किससे, टाउ बीडी से प्रदर्शित करते हैं.
ठीक है, इसे टाउ बी डी से प्रदर्शित करते हैं। अगर यूनिट देखें, इसकी यूनिट कितनी होगी? अरे यूनिट क्या होगी, स्ट्रेस की यूनिट होती है न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, तो लिख लेंगे यूनिट, इसकी यूनिट या इकाई होगी न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। ठीक है, अब देख लेते हैं स्टील। स्टील यानी तीन टाइप के होते, तीन प्रकार के बताए हैं, तो उनमें तीनों में जो अलग अलग कंक्रीट कंक्रीट के साथ कितनी कितनी इनकी बॉन्ड स्ट्रेंथ होगी, यानी कि ग्रेड के अकॉर्डिंग चेंज होता रहेगा ना। अगर कंक्रीट का ग्रेड जो भी ग्रेड के अकॉर्डिंग बॉन्ड स्ट्रेंथ भी चेंज होता ना होगा ना, क्योंकि ये स्टील रीइंफोर्समेंट के ग्रेड यानी ग्रेड ऑफ स्टील और ग्रेड ऑफ कंक्रीट पर डिपेंड करता है। लिख लेंगे ये भी कि ये यानी बॉन्ड स्ट्रेस किस पर डिपेंड करता है, डिपेंड ऑन ग्रेड ऑफ कंक्रीट एंड ग्रेड ऑफ स्टील। कंक्रीट के ग्रेड पे और स्टील के ग्रेड पर डिपेंड करता है क्या चीज, बॉन्ड स्ट्रेस। ठीक है, देख लेते हैं यहां पर परमिसिबल बॉन्ड स्ट्रेस ऑफ कंक्रीट विथ टेंशन बार में। अगर हम कोई टेंशन बार में देख रहे हैं कि बॉन्ड स्ट्रेस कितना जनरेट होगा, तो लिखेंगे हेडिंग डालेंगे परमिसिबल बॉन्ड स्ट्रेंथ फॉर कंक्रीट, कंक्रीट की परमिसिबल बॉन्ड स्ट्रेस इन टेंशन जोन विथ टेंशन बार। कंक्रीट की बॉन्ड स्ट्रेस चेक करने जा रहे हैं किसमें, टेंशन बार में। ठीक है, तो देख लेते हैं क्या होता है इसमें, हम देखेंगे प्लेन बार के लिए। अगर प्लेन बार है हमारा, प्लेन बार है, प्लेन बार किसको, प्लेन बार एनी एफई 250 को कंसीडर करते हैं ना एज ए प्लेन बार। प्लेन बार एज ए प्लेन बार किसको कंसीडर करते हैं, एफई 250 को। तो देख लेते हैं इसमें डिजाइन ऑफ बॉन्ड स्ट्रेस फॉर प्लेन बार। प्लेन बार के लिए देखते हैं, इसको देखने के लिए हम देखेंगे क्लॉज नंबर कोड, देखेंगे क्लोज देखेंगे कोड में आईएस 456/2000 इस कोड में देखेंगे किसमें, क्लॉज नंबर 26.2.1.1 पर। क्लॉज नंबर इसमें देखेंगे किसमें, आईएस कोड में, आईएस कोड कितना 456/2000 ये गिवन है। ठीक है, कि किस ग्रेड के लिए बाउंड स्ट्रेस कितना होगा ये गिवन है। ठीक है, तो देखेंगे अगर हम बात करें ग्रेड ऑफ कंक्रीट, क्योंकि पीसी प्लेन बार के लिए देख रहे हैं, इन टेंशन जो इन, ठीक है, प्लेन बार के लिए देख रहे हैं, तो लिखेंगे ग्रेड ऑफ कंक्रीट और फिर देखेंगे बॉन्ड स्ट्रेस टाउ बी बीडी ठीक है, कि किस ग्रेड के लिए कितनी वैल्यू होगी। M15 M20 M25 M35 उसके बाद में M40 और इसके ऊपर एंड अबव, और इसके ऊपर जो भी कंक्रीट का ग्रेड होगा सबकी वैल्यू बॉन्ड स्ट्रेस सेम रहेगी। ठीक है, M15 की होती है बॉन्ड स्ट्रेस
वन, ये होगा न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में, ठीक है। बॉन्ड स्ट्रेस की वैल्यू जो यूनिट होगी न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में ही रहेगी, ठीक है, न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में। ये होगा हमारा 1.0, ठीक है। M20 के लिए होगा 1.2, M25 के लिए होगा 1.4, M30 के लिए होगा 1.5, और M35 के लिए होगा 1.7, और M40 या इसके ऊपर जो भी ग्रेड होगी कंक्रीट उसके लिए होगी बॉन्ड स्ट्रेस 1.9। ये किसके लिए देखे हैं? प्लेन बार के लिए। प्लेन बार के लिए देखे हैं, अगर हम बोलें कि डिफॉर्म बार के लिए कितनी होगी, परमिसिबल बॉन्ड स्ट्रेस कंक्रीट विथ टेंशन बार, ठीक है। टेंशन बार कौन सी? अगर डिफॉर्म रहे, पहले तो प्लेन हो गई यानी Fe 250 हो गई, और अगर हम कहें डिफॉर्म बार के लिए देख रहे हैं, हम कहें डिफॉर्म बार के लिए देखना है, डिफॉर्म बार, डिफॉर्म बार के लिए अगर निकालना होगा हमको, तो इसमें 60% इंक्रीज कर देते हैं। किसमें? प्लेन प्लेन बार वाले में 60% इंक्रीज कर देंगे, तो हमें डिफॉर्म बार का पता चल जाएगा। यानी डिफॉर्म बार में कौन कौन से आएंगे? Fe 415 एंड Fe 500, Fe 415 एंड Fe 500, Fe 415 एंड Fe 500 आएगा, ठीक है, किसमें? डिफॉर्म बार में। तो इसके लिए देख लेते हैं, इसके लिए देख लेते हैं क्या होगा। जो प्लेन प्लेन बार में आया है हमारा बॉन्ड स्ट्रेस, इसमें इंक्रीज इंक्रीज 60% इन प्लेन बार, ठीक है। इसमें से हमको 60% इंक्रीज करना है प्लेन बार वाले में। तो यानी हमको क्या करना है, जो ये वैल्यू है इसमें 1.6 से मल्टीप्लाई कराना है, यानी कि 1.6 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो वही 60% वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। तो देख लेते हैं इसमें ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट, और ये हो जाएगा बॉन्ड स्ट्रेस। टाउ बी डी न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में रहेगा, ठीक है, इसे याद रखना, न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में। तो देखेंगे इसमें M15 के लिए देख लेते हैं, 1.6 से मल्टीप्लाई कराएंगे, यानी 1.60% इंक्रीज करना है, यानी कि 1.6 से मल्टीप्लाई करा दो तो कितना आ जाएगा, 1.6 वैल्यू आ जाएगा। M20 की बात करें तो इसमें 1.6 की मल्टीप्लाई करा दो कितनी आ जाएगी वैल्यू, 1.92। M25 की बात करें, M25 में यानी 1.4 पे 1.6 का मल्टीप्लाई करा देंगे कितना आ जाएगा, 2.24। M30 की बात करें, M30 की बात करें तो M30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसी में तो मल्टीप्लाई करा देना है ना, 1.5 में 1.6 की, यानी 60% इंक्रीज कर देना है इसको, तो कितना हो जाएगा, 2.4। M35 की देख लेते हैं वैल्यू, M35 में की वैल्यू कितनी थी प्लेन में, प्लेन बार के लिए, प्लेन बार के लिए थी 1.7, अगर इसमें 60% इंक्रीज करना है यानी कि 1.6 से मल्टीप्लाई करा दो, 1.6 से मल्टीप्लाई कराएंगे 2.72 हो जाएगा। अगर हम बात करें M40 की या इससे बड़ी वाली वैल्यू की एंड अबव, इसके ऊपर जितनी भी वैल्यू होगी M40 के ऊपर, तो कितनी थी, 1.9 थी। अगर इसमें 1.9 में 1.6 को मल्टीप्लाई कराएंगे, 1.6 क्यों मल्टीप्लाई कराना है, क्योंकि 60% इंक्रीज कर रहे हैं वैल्यू को, 60% इंक्रीज करने के लिए तो 1.6 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, 3.04 आ जाएगी, ठीक है। ये हमारे डिफॉर्म बार के लिए होगा इन टेंशन, टेंशन है, ठीक है, डिफॉर्म टेंशन बार, ठीक है। डिफॉर्म बार में Fe 415 और 500 आ जाता है। अगर हम बात करें कि प्लेन प्लेन बार के लिए था कितना, प्लेन बार के लिए हमारा वैल्यू इतना था बॉन्ड स्ट्रेस और टेंशन जोन की, टेंशन में, ठीक है, और टेंशन में अगर डिफॉर्म बार के लिए देखे वैल्यू तो इतनी आ गई। अगर हम बोलें कि कंप्रेशन जोन में, कंप्रेशन जोन में यानी कंप्रेशन बार, कंप्रेशन बार की देखें डिफॉर्म बार के लिए तो कितनी होगी, उसको भी देख लेते हैं, ठीक है। तो इसमें कंप्रेशन में देख लेंगे, कंप्रेशन रीइन्फोर्समेंट क्या है, परमिसिबल बॉन्ड स्ट्रेस फॉर कंक्रीट विथ कंप्रेशन रीइन्फोर्समेंट। तो इसके लिए देख लेते हैं हम, इसके लिए हमको
अभी ये मैंने बताया था कि प्लेन बार में जो आया था हमारा वैल्यू, उसमें जब 1.6 यानी 60% इंक्रीज किए थे, क्या किए थे, 1.6 से मल्टीप्लाई कर रहे थे, 1.6 से मल्टीप्लाई कर रहे थे यानी कि इंक्रीज कर रहे थे हम कितना, 60% को, 60% से इंक्रीज किए थे। तो हमारा क्या हुआ, ये टेंशन में डिफॉर्म बार के लिए कैलकुलेट कर लिए थे। डिफॉर्म बार के लिए अगर हम बोलें, अब मुझे कंप्रेशन कंप्रेशन में ज्ञात करना है डिफॉर्म बार के लिए, ठीक है, कंप्रेशन में तो कितने से 25 से 25% इंक्रीज कर दो इसमें। यहां पर 60% इंक्रीज किए थे, 60% इंक्रीज किए थे, और यहां पर अब 25% इंक्रीज कर दो यानी इसमें 25% इंक्रीज कर दो, 25% इंक्रीज करो यानी कि अभी 1.6 से मल्टीप्लाई करा रहे थे तो 1.6 से तो मल्टीप्लाई ही करा दो, उसके बाद में 25% यूज करना इंक्रीज करना है तो यानी 1.25 से भी मल्टीप्लाई करा दो, यानी दो बार, एक बार जो प्लेन आया था उसको 1.6 से मल्टीप्लाई करो और फिर 1.2 से मल्टीप्लाई, तो कंप्रेशन रिइंफोर्समेंट के लिए ज्ञात हो जाएगा, ठीक है। तो देख लेते हैं, देखेंगे ग्रेड ऑफ कंक्रीट, और ये होगा बॉन्ड स्ट्रेस, टाउ बीडी, ठीक है, न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में होगा, इसकी वैल्यू न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में ही होगी, ठीक है। बात करें M15 की, M15 की अगर इसमें कितनी वैल्यू आई थी, 1 आई थी, तो 1.6 से मल्टीप्लाई करा दिए थे तो कंप्रेशन डिफॉर्म में टेंशन डिफॉर्म बार की बॉन्ड स्ट्रेस ज्ञात कर लिए थे, अगर उसमें 1.25 से भी मल्टीप्लाई करा देंगे तो वैल्यू आ जाएगी हमारी 2, ठीक है, 2 न्यूटन पर एम स्क्वायर हो गया। अगर M20 की बात करें तो M20 में होगा मल्टीप्लाई करा देंगे 1.6 से, उसके बाद में 1.25 से मल्टीप्लाई कराएंगे, टोटल वैल्यू हमारी कैलकुलेशन के बाद में आ जाएगी 1.4, ठीक है। M25 की बात क्या करें, M25 की वैल्यू आएगी 2.8 कैलकुलेट करने के बाद में, M30 की वैल्यू आ जाएगी 3, M35 की वैल्यू आ जाएगी, M35 की वैल्यू 3.4, M40 या इसके ऊपर वाली वैल्यू, M40 एंड एबव ग्रेड, इसके ऊपर ग्रेड अगर कोई है कंक्रीट की तो कितनी वैल्यू आएगी, मल्टीप्लाई करके देख लो, 3.8, यानी हमको क्या, प्लेन बार का बॉन्ड स्ट्रेस याद रखना है, लेकिन याद क्या, तुम्हारे पास स्टील कोड होगा तो उसी में गिवन है। क्लॉज नंबर कितना बताया है, क्लॉज नंबर बताया है 26 पॉइंट, देखो याद रखना ये 20, अभी देख सकते हो कोड में, ठीक है, कोड में देखो, अभी क्लॉज नंबर 26.2.1.1 ये क्लॉज नंबर है, ठीक है, IS-456 कोड में देखो तो ये गिवन है, ये गिवन है, अगर बोल दिया जाएगा ये प्लेन बार के लिए तो ये गिवन है, अगर डिफॉर्म बार के लिए बोला जाएगा तो 1.6 से मल्टीप्लाई कर दो यानी 60% इंक्रीज कर देना तो ये वैल्यू हमें ज्ञात हो जाएगी, ठीक है। टेंशन बार के टेंशन मैं कंप्रेशन में अगर बोला बोला जाएगा तो कंप्रेशन में उसी को फिर से 1.25 से मल्टीप्लाई करा दो, वैल्यू हमारी ये कैलकुलेट होके आ जाएगी, ठीक है। हमारा सेकेंड पॉइंट बचता है बॉन्ड ये डेवलपमेंट लेंथ, बॉन्ड स्ट्रेस खत्म कंप्लीट करने के बाद में सेकेंड पॉइंट बचा हमारा डेवलपमेंट लेंथ। तो डेवलपमेंट लेंथ होता क्या है ये बताते हैं, पहले डेवलपमेंट लेंथ लिखते हैं, नेक्स्ट हेडिंग डेवलपमेंट लेंथ, डेवलपमेंट लेंथ अगर बात करें तो ये होता है किसी आरसीसी का मेंबर है, ठीक है, कोई क्या कहते हैं, बात करें तो कोई बिल्डिंग है, ठीक है, तो उसमें कई मेंबर बन कई पार्ट्स होके मिलता है ना, कई एलिमेंट्स मिलके तो एक बिल्डिंग बनती है। जैसे माना जाए कि पाइल है, उसके ऊपर फाउंडेशन हो गया, कॉलम हो गया, बीम है, स्लैब है, ठीक है, तो ये सब चीजें पार्ट हो गया, यानी किसी एक पार्ट को दूसरे पार्ट से जब जोड़ने के लिए जो एक्स्ट्रा लेंथ प्रोवाइड की जाती है वही होती है डेवलपमेंट लेंथ, जिसे बात करते हैं हम एक एग्जाम्पल।
लेके बताते हैं। ये देखते हैं, मानो ये पाइल है, ठीक है, ये पाइल है, ठीक है। उसके बाद हमारा इस पाइल के ऊपर देखो ये फाउंडेशन है, ठीक है, ये फाउंडेशन है, इसके ऊपर ये कॉलम है, इसके ऊपर ये कॉलम हो गया, कॉलम ये हो गया, और मान लो ये बीम है, ठीक है, ये बीम है। कितने पार्ट बना दिए? पहला बना दिया पाइल, देखो ये पाइल है, ये दूसरा क्या बनाया है, फाउंडेशन बना दिया है, न्यू फाउंडेशन। ये क्या है, ये है कॉलम, ये क्या है, ये है बीम, ठीक है। तो क्या है, एक मेंबर को दूसरे मेंबर में स्ट्रेंथ, यानी अच्छे से एक दूसरे को बंधे हुए रखने के लिए क्या करते हैं, डेवलपमेंट लेंथ प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें, तो जैसे यहां पर बात करें पाइल में, पाइल में जो अगर यहां से ऐसे ही रिइंफोर्स्ड किया जाएगा ना, रिइंफोर्स्ड ऐसे तो किया जाएगा, ऐसे रिइंफोर्स्ड किया गया है, ये देखो, उसके बाद भी ये रिंग डाली गई है, ये रिंग डाली गई है, ठीक है। ऐसे करके डाली गई है, ठीक है। तो ये जो यहां तक, यानी पूरे पाइल में अगर यहां तक बात करें, तो यहां तक डाली गई तो ठीक है। अगर इसके ऊपर जो लेंथ प्रोवाइड की जाती है, कुछ लेंथ एक्स्ट्रा तो डालेंगे कि दूसरे को भी, यानी दूसरे पार्ट को भी मेंबर को अच्छे से बांधे हुए, यानी स्ट्रेंथ बनाए हुए रखे, यानी जो ऊपर वाली स्ट्रेंथ, यानी जो एक्स्ट्रा ऊपर डाली गई है, ये लेंथ जो रेड से बनाए दे रहे हैं, रेड कलर से, तो यही तो हो जाएगी हमारी डेवलपमेंट लेंथ। डेवलपमेंट लेंथ यानी LD डिनोट करेंगे इसको, LD से, तो यही लेंथ तो डेवलपमेंट लेंथ है हमारी। अगर जैसे ऊपर देखो, ऊपर दो पार्ट को ले लो, एक बीम को ले लो, एक कॉलम को ले लो, एक बीम को ले लो, कॉलम को ले लो, ये जो बीम में डाली गई है, बीम नहीं, रिंग डाली, स्टील बार डाली गई है, ये स्टील बार, ठीक है, ये बीम में जो स्टील बार डाली गई है, तो अब अगर यहां तक जो, यानी बीम में डाली गई है, उसके बाद में जो एक्स्ट्रा लेंथ प्रोवाइड की जाती है, मान लो इतना यहां तक डाली गई है, या मान लो ऐसे करके ये एंकर कर दिया गया है, ठीक है। तो ये जो एक्स्ट्रा लेंथ प्रोवाइड की गई है, यानी अगर बात करें इसको रेड कर देते हैं, समझ में आया, जो ये रेड वाली स्ट्रेंथ नहीं, रिंग ये डाली गई है एक्स्ट्रा, ये जो बार को, ये रेड वाली बार दिखाई दे रही है, तो जो एक्स्ट्रा बार ये डाली गई है इतनी लेंथ की, तो इसे ही कहते हैं डेवलपमेंट लेंथ। यानी दो मेंबर को, जैसे दो RCC मेंबर को अच्छे से क्या कहते हैं, बॉन्ड बनाए रखने के लिए स्ट्रेंथ, यानी अपने बॉन्डिंग बॉन्ड स्ट्रेंथ अच्छी बनाए रखने के लिए जो एक्स्ट्रा लेंथ प्रोवाइड की जाती है, उसे ही कहते हैं डेवलपमेंट लेंथ। यानी ये देखो, ये है एग्जाम्पल के लिए, दो दो एग्जाम्पल बता चुके, जैसे अभी ये बताए हैं, जैसे पाइल से जो एक्स्ट्रा लेंथ डाल दिए हैं फाउंडेशन तक, तो ये हो गई हमारी डेवलपमेंट। जैसे इससे इसमें डाल दिए गए हैं, तो एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। जैसे हमारा मान लो क्या लेते हैं, हाँ ठीक है, एक मान लो ये फाउंडेशन है हमारा, ठीक है, ये फाउंडेशन है हमारा, ठीक है, ये फाउंडेशन है, इसके ऊपर डाला गया, बनाया गया कॉलम, ये कॉलम है, ठीक है, ये कॉलम है। तो क्या करते हैं, इसमें रिइंफोर्स्ड रहता है, रिइंफोर्स्ड कर दिया जाता है ना नीचे, ठीक है। उसके बाद में लेकिन अगर हम बात करें, जो ये कॉलम में रिइंफोर्स्ड किया गया है, सरिया डाला गया है, ये उसके, ये रिंग होगा ऐसे करके, ठीक है। तो ये जो यहां तक डाला गया है लेंथ, तो ठीक है, ये इसके बाद में क्या है, मजबूती बनाए रखने के लिए जो एक्स्ट्रा लेंथ प्रोवाइड करते हैं, यानी ऐसे करके एंकर कर देते हैं, ये
तो ये जो एक्स्ट्रा लेंथ हुई, जैसे रेड से डिनोट कर देते हैं इसको, जो ये एक्स्ट्रा लेंथ, ये लेंथ, ये जो लेंथ एक्स्ट्रा डाले हैं, इसे ही कहते हैं डेवलपमेंट लेंथ। ये ठीक है, इसे ही कहते हैं डेवलपमेंट लेंथ, इसे डिनोट करते हैं एलडी से। ठीक है, ये हो गई हमारी डेवलपमेंट लेंथ, यानी यहां से लेके यहां तक की, यहां से लेके यहां तक की, यहां से लेके यहां तक की लेंथ। ठीक है, ये डेवलपमेंट लेंथ है। डिफाइन करें इसे, तो इसे डिफाइन करेंगे अपनी डिजायरेबल बॉन्ड स्ट्रेंथ को अचीव करने के लिए, जो हम एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा बार को एक्स्ट्रा दूसरे मेंबर में, यानी अलग एक मेंबर से दूसरे मेंबर को में जोड़ने के लिए एक्स्ट्रा जो लेंथ प्रोवाइड करते हैं, उसे ही कहते हैं क्या, डेवलपमेंट लेंथ। लिखेंगे इसको, डिफाइन करना हो तो लिखेंगे इसको डिफाइन करने के लिए, डिजायर बॉन्ड स्ट्रेंथ प्राप्त करने के लिए, अचीव करने के लिए, अचीव यानी प्राप्त करने के लिए स्टील बार की एक्स्ट्रा लेंथ को, जो एक्स्ट्रा लेंथ को, ये अगर बात करें जो स्टील बार की एक्स्ट्रा लेंथ को जो कॉलम में इम्बेडेड किया गया है, इसको डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, डेवलपमेंट लेंथ को एक्स्ट्रा, हाँ, डिजायर बॉन्ड स्ट्रेंथ को अचीव करने के लिए स्टील बार को की एक्स्ट्रा लेंथ को दूसरे मेंबर में या कॉलम में इम्बेडेड किया गया है, यानी उसके अंदर डाला गया है दूसरे मेंबर में, जो एक्स्ट्रा लेंथ की गई है, इम्बेडेड की गई है या की जाती है, इसी एक्स्ट्रा लेंथ को, इसी इस एक्स्ट्रा लेंथ को डेवलपमेंट लेंथ कहते हैं, डेवलपमेंट लेंथ कहते हैं, या लेंथ कहा जाता है, डेवलपमेंट लेंथ बोला जाता है। ठीक है, समझ में आया। आप देखेंगे डेवलपमेंट लेंथ को ज्ञात करने के लिए फार्मूला हमारे पास क्या है, तो सिंपल सा एक फार्मूला याद रखना है, ये भी हमारा गिवन है। ठीक है, आईएस कोड में एल डी इजकल टू फाई सिग्मा एस अपान 4 टाउ बी डी, जहां पर ये फाई है डायमीटर ऑफ बार, यानी कि डायमीटर ऑफ बार अगर बात करें, फाई क्या है, डायमीटर ऑफ बार है, यानी कि जो स्टील बार है उसका डायमीटर है। सिग्मा एस क्या है, स्ट्रेस इन बार, स्ट्रेस में जो बार में, जो स्टील बार में स्ट्रेस जनरेट हुआ है उसका स्ट्रेस है। टाउ बी डी क्या है, हमें पता है शियर बॉन्ड स्ट्रेस है। ठीक है, बॉन्ड स्ट्रेस है या शियर बॉन्ड स्ट्रेस है, जो कि हम, ये हमें कोड में दिया है, बताया है मैंने किस क्लॉज में नंबर, क्लॉज नंबर याद रखना है 26.2.1.1। ठीक है, ये क्लॉज नंबर में गिवन है। तो ये हमारा बॉन्ड स्ट्रेस और डेवलपमेंट लेंथ यहां पर कंप्लीट होता है। थैंक यू।